असल मेरी यूनिवर्सिटी है फातिमा जिला मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर और अगर हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी को भी देख रहे हैं तो स्टडीज़ के लिहाजा इट्स गुड टीचर्स बहुत अच्छे हैं और ट्यूटोरियल्स अरेंज कराए जाते हैं जिनमें आप डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द टीचर आपका होता है और जो आपने थ्रू आउट द वीक टॉपिक्स कवर किए होते हैं वो डिस्कस होते हैं आप बैचमेट्स के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं आप उन्हें प्रेजेंट कर रहे होते हैं आपने वो प्रिपेयर करके जाने होते हैं और टीचर देख रहा होता है हमेशा से लाइक आप उस टूटोरियल में थ्रू आउट जो है वो एक डायग्नोस्टिक आए थ्रू गुजर रहे होते हैं और टीचर देख रहा होता है कि इस बच्चे में ये मसला इसको कॉन्फिड इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है या क्या इसमें मसला है तो उसकी कोशिश होती है कि वो आपको पॉलिश करे और आपको हर तरह से लाइक ग्रो करने का मौका दिया जाता है अगर हम अटेंडेंस का देखें तो अगर आप रेगुलर हैं तभी आप उसे मेनटेन कर पाते हैं जाहिर बात है वे कहीं यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही होता है तो आपको प्रॉपरली उसको मेनटेन रखना पड़ता है रेगुलरली आकर ही लीव के लिए आपको अपना मेडिकल साथ अटैच करना पड़ेगा और उसको प्रॉपरली वैलिडेट करवाना पड़ता है लीव को भी और इसके अलावा अगर हम इवेंट्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी की शिनावर सोसाइटी है इवेंट्स पूरे साल में स्कैटर्ड नहीं होते बल्कि एक ही टाइम पे होते हैं एक ही वीक होता है उसमें इवेंट्स हो रहे होते हैं और आपको साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी लेके चलना पड़ता है उस टाइम पे क्योंकि वो हो सकता है इवेंट्स के फ़ौर बाद आपका कोई स्टेज आ रहा है मेजर कोई इस तरह से आ रहा है टेस्ट वगैरह तो वो आपको साथ साथ रखना पड़ता है उसके अलावा अगर हॉस्टल की बात कर लें तो हॉस्टल की बिल्डिंग इज़ टू गुड काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है कभी भी आप लो फील करें तो आप जल्दी से वॉक के लिए जा सकते हैं इंडायरेक्ट कनेक्शन विद नेचर आ सकते हैं और बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट है और बहुत कूल सा है चिल सा है और जो एक कमरा है उसमें तीन लोग रह रहे होते हैं ज़्यादा कंजस्टेड नहीं होता जब आप इनिशियली आते हैं तो आपको दो तीन महीनों के लिए डोम में रखा जाता है जब तक कि फाइनली ये नहीं चली जाती तो वहाँ पर थोड़ा होता है डोंग में ई बात है काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं तो वो थोड़ा कंजेस्ट होता है लेकिन तब भी आप उन लोगों के साथ कनेक्शन डेवलप करते हैं वो ही आपको थ्रू आउट द ईयर हेल्प करते हैं तो वो भी आप कभी भूल नहीं पाते तो वो वाला है अभी तो भी अच्छा ही रह जाता है एक तरह से अगर मैस की बात करें तो मैस बहुत बुरा नहीं है ना ही बहुत अच्छा है कुछ लोगों को सूट कर भी जाता है कुछ को नहीं करता लेकिन हॉस्टल में ही एक और कैफ़े है वहाँ से आप मैस ऑप्ट कर सकते हैं या फिर होम मेड वेस की ऑप्शन अवेलेबल होती है यूनिवर्सिटी वाले कैफे से हॉस्पिटल वाले कैफे से डिलीवर हो जाता है इस वजह से आपने हर किसी अपना अपना आपको ऐसा ऐसा समझ आता जाता है जो आपको सूं उस खा उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर लेते हैं अगर आप यूनिवर्सिटी वाला मैस नहीं देते तो उसका मसा ये ही कौन होता है कि आपको आ, नाश्ता जो है वो खुद बनाना पड़ेगा या फिर यूनिवर्सिटी जाकर करना पड़ेगा जो फिर मोस्टली आपका रह जाता है इसके अलावा आई गेस दैट्स इट ओवरऑल इट्स गुड यूनिवर्सिटी आई गेस